अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अमीन यूसुफ, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने चाह रहे हैं वो है बॉडी कंटूरिंग। सो बॉडी कंटूरिंग में सबसे बड़ा पहला जो सवाल है कि बॉडी कंटूरिंग क्या है, ये किसको सूट करती है और लाइपोसक्शन में और टमी टेक में क्या डिफरेंस है। सो बॉडी कंटूरिंग का मतलब है बॉडी को शेप में लेके आना। तो ऑल्दो कि बॉडी कंटूरिंग के साथ वजन भी कम होता है, लेकिन मेन पर्पज़ बॉडी को शेप में लेके आना है। सो कौन से कैंडिडेट हैं जो कि बॉडी कंटूरिंग का सूटेबल हैं? ऐसे कैंडिडेट जिनका वजन नॉर्मल लिमिट्स में है या वो ओवरवेट हैं, ओबेसिटी वाले कुछ कैंडिडेट भी इस में आ सकते हैं, लेकिन मॉर्बिड ओबीस जिनका बीएमआई बहुत ज़्यादा है वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते। सो वजन आपको कुछ एक्स्ट्रा तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बहुत 140-150 केजी से हो जाएं, तो उसके लिए आपको वेट रिडक्शन सर्जरीज चाहिए। तो वेट रिडक्शन सर्जरी की कैटेगरी बिल्कुल डिफरेंट है और बॉडी कंट्रोलिंग की डिफरेंट है। जैसे वेट रिडक्शन सर्जरी में स्लीव गैस्ट्रेक्टमी आता है, जिसमें स्टोमक को कट करते हैं ताकि मैदा आपका कट हो जाएगा तो खाना पीना बंद होगा, तो उसके बाद आपका वजन ऑटोमेटिकली स्लो होगा। गैस्ट्रिक बैंड है, ये जनरल सर्जन करते हैं दोनों, और एक है गैस्ट्रिक बैलून जो कि हमारे क्लिनिक पे फैसिलिटी अवेलेबल है। दूसरा है बॉडी कंटूरिंग, उसमें आता है लाइपोसक्शन। तो लाइपोसक्शन ये बहुत टाइप्स हैं, जैसे पावर लाइपोसक्शन है, सक्शन असिस्टेड लाइपोसक्शन, वेजर लाइपोसक्शन या लेजर लाइपोसक्शन और अल्ट्रासोनिक लाइपोसक्शन। सो वी हैव ऑल काइंड ऑफ डिवाइसेस एट आवर क्लिनिक। लाइपोसक्शन क्या है? बेसिकली कट के बगैर फैट अगर रिमूव की जाए इसको हम लाइपोसक्शन कहते हैं। कौन सी फैट निकालते हैं? इसको हम कहते हैं सबकुटेनियस फैट, जो कि स्किन के नीचे फैट है वो हम निकालते हैं। हम पेट के अंदर नहीं जा सकते या विसरल फैट को रिमूव नहीं करते। सो ऐसी फैट जो कि आपके हाथों में आ सकती है उसको पिंच करके आप देख सकते हैं, वो अगर 2 इंच है तो हम उसका 70-80% रिमूव कर देंगे और पीछे 20% फैट रह जाएगी। इसका रिजल्ट इमीडिएट है और फ़ायदा ये है कि इसका रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग है, जिसका मतलब है कि क्योंकि वहाँ से फैट के सेल्स ही रिमूव हो गए तो वहाँ फैट जल्दी नहीं आएगी। अगर आपका वजन बढ़ता है तो फैट जहाँ नॉर्मली प्रेजेंट है बाकी जगह पे वहाँ ज़्यादा आएगी, बैली पे या जिस जगह से लाइपोसक्शन किए हैं वहाँ कम आएगी। सो पहला है लाइपोसक्शन क्या है, फैट रिमूव विदाउट एनी कटिंग। सो इसमें स्टैंडर्ड है वो सक्शन लाइपोसक्शन है, जिसका मतलब है आपने पहले बॉडी में एक लिक्विड इंजेक्ट किया, इसको हम कहते हैं टूमेसेंस फ्लूइड, जिसके अंदर पेन किलर्स होते हैं और एड्रेनालिन होती है जो कि ब्लीडिंग नहीं होने देती, ताकि जब आप लाइपोसक्शन करें तो आपका ब्लड लॉस कम से कम हो। सो उसके बाद जो फैट है डिजॉल्व होती है उसको हम सक्शन कर लेते हैं, तो दिस इज सक्शन असिस्टेड लाइपोसक्शन। नंबर 2 इज पावर लाइपोसक्शन। तो पावर लाइपोसक्शन क्या है? जैसे रिसेंटली डिफरेंट डिवाइसेज हैं जो कि खुद मूव करते हैं, सर्जन भी मूव करता है लेकिन वो खुद वाइब्रेशन उसके इंक्लूड है, वो टू एंड फ्रो मोशन उसके अंदर है, इससे वो फैट को वाइब्रेशन के साथ मेल्ट कर लेते हैं, इससे फैट की सक्शन या रिमूवल ईजी हो जाता है। सो पावर लाइपोसक्शन का ये फ़ायदा है कि आपकी ब्रूजिंग स्वेलिंग कम है और सर्जन के लिए ईजी है रिमूव करना, तो बॉडी का ट्रामा ओवरऑल कम है। कमिंग टू वेजर लाइपोसक्शन, वेजर क्या है? बेसिकली ये वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करके साउंड एनर्जी क्रिएट होती है जिससे आपकी फैट मेल्ट करती है। तो लाइपोसक्शन से पहले अगर आप वेजर करते हैं जो कि इन्फिल्ट्रेशन के बाद अगला स्टेप है, तो फ्लूड इंजेक्ट करने के बाद आप वेजर की पोर्ट इंजेक्ट करते हैं जो कि अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा, उससे आपकी फैट मेल्ट होगी। तो इसका भी क्या फ़ायदा है कि आपकी फैट रिमूवल ईजी है। सो पावर लाइपोसक्शन और वेजर में क्या डिफरेंस है? दोनों ही फैट रिमूव करते हैं लेकिन एक सिर्फ फैट को मेल्ट करता है, तो वेजर का काम है फैट को मेल्ट करना और लाइपोसक्शन का काम है या पावर लाइपो को फैट को रिमूव करना। सो वेजर क्या फ़ायदा है? 2 मेन फायदे हैं, एक ये कि आपकी स्वेलिंग ब्रूजिंग बहुत कम होती है क्योंकि फैट ईजिली मेल्ट होकर बाहर आ जाती है और ट्रामा नहीं होता, ब्लीडिंग नहीं होती। नंबर 2 आपकी स्किन कॉन्ट्रैक्शन भी अच्छी है, जो थोड़ा सा लटकी हुई स्किन है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, लेकिन अगर स्किन लटकी हो उसके सोल्यूशन क्या है वो हम आपको टमी टेक जिसे बोलते हैं उसके जरिए कर सकते हैं। तो व्हाट इज टमी टेक?
हम लाइपोसक्शन को कंप्लीट करते हुए एक दो क्वेश्चंस और आई थिंक हम उसको पूरा कर लें। सो लाइपोसक्शन में आपने कट नहीं लगाया, आपने 4 से 5 लीटर फैट को रिमूव किया। उसके बाद कंप्रेशन गारमेंट्स होते हैं वो पहना देते हैं आपको, और थोड़ा सा लिक्विड ड्रेन होता रहेगा 24 आवर यूजली। उसके बाद आपके गारमेंट्स पहने होंगे, पेन आपकी मिनिमल है, माइल्ड पेन हम कहते हैं, और आप 1 से 2 दिन अगर रेस्ट कर लें तो उसके बाद आपको ऐसे रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो लाइपोसक्शन के बाद डेली मसाज और गारमेंट्स पहनना ये मैंडेटरी है फॉर 4 वीक्स। तो 4 वीक्स में आपकी कंप्लीट हीलिंग हो जाती है। तो जैसा कि मैं पेशेंट को बताता हूँ कि आपने 24 आवर तक यहाँ रेस्ट करें, 1 दिन घर में जाकर रेस्ट कर लें, उसके बाद आप वॉक कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, लेकिन डेली मसाज करते रहें। लाइपोसक्शन में हम कितनी फैट निकाल सकते हैं, पेशेंट पूछते हैं कि मेरा वेट 120 kg है, तब 20 kg फैट रिमूव कर दें, नहीं, लाइपोसक्शन में एक लिमिट तक फैट को रिमूव करना सेफ है। यूजली 3 लीटर इज द सेफेस्ट अमाउंट विच कैन बी रिमूव्ड ईजिली इवन अंडर लोकल एनेस्थीसिया, और 5 लीटर तक भी आप सेफली रिमूव कर सकते हैं। ऑब्वियसली जितना आप ज़्यादा रिमूव करेंगे उतनी ही ब्लड लॉस भी होगा, उतनी बॉडी पे ट्रॉमा ज़्यादा होगा, उतनी ही रिकवरी लेट होगी। और 5 लीटर से ऊपर 10 लीटर तक रिमूवल है वो भी कर सकते हैं विथ लिटल सेफ्टी, और इसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हैं। सो 3 लीटर इज द सेफेस्ट अमाउंट विच कैन बी रिमूव्ड। लाइपोसक्शन से वजन भी कम होता है, यस वजन कम होता है, लेकिन मेन मकसद या पर्पज वजन कम करना नहीं, बॉडी को शेप में लेके आना है। बस जितनी हम फैट रिमूव करते हैं यूजली उसकी इक्विवेलेंट फैट रिमूव होती है। नंबर टू, कुछ फैट डैमेज भी होती है जो कि स्लोली एब्जॉर्ब होती है। तो आप एटलीस्ट मंथ आफ्टर लाइपोसक्शन अगर आप वेट करें तो आपको 4-5 लीटर kg का डिफरेंस नज़र आएगा। क्या लाइपोसक्शन का रिजल्ट लाइफ लॉन्ग है या लास्टिंग है? यस, इसका रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग है, और इसके रीज़न ये है कि आपके फैट के सेल्स ही निकल गए तो वहाँ पे फैट नहीं आएगी। एक क्वेश्चन लोग ये पूछते हैं, क्या लाइपोसक्शन के मुझे करवाया था 1 साल पहले, अब उसके साइड इफेक्ट हो गए हैं, मेरी बॉडी डी शेप हो गई है। एक्चुअली लाइपोसक्शन में कोई इस तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। होता यह कि आप लाइपोसक्शन कराते हैं, आपकी बैली या जहाँ से करवाया वो स्लिम हो जाता है, तो आप खाना पीना अपना वैसे ही रखते हैं जिससे आपका वज़न बढ़ जाता है। और आपका वज़न बढ़ेगा तो वो आप पेट पे नहीं आएगा, जो एक्स्ट्रा फैट आपने जमा किए वो थाइस पे या कहीं और जाएगा। तो ये लाइपोसक्शन का साइड इफेक्ट नहीं है, बेसिकली आपने अपना वज़न बढ़ा लिया है, जो कि नॉर्मली आप वज़न बढ़ाते तो वो पेट पे फैट आती, अब चूँकि पेट पे लाइपोसक्शन हो चुकी है तो अब वो फैट कहीं और जाएगी, तो उससे आपको लगता है मेरी बॉडी डी शेप हो गई है। तो इससे आइडियल क्या है कि आप वज़न ना बढ़ाएं, जो कि आपको नॉर्मली भी नहीं बढ़ाना चाहिए। तो ये लाइपोसक्शन का कोई इस तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। वैसे लाइपोसक्शन कोई डेंजरस है या साइड इफेक्ट है? यूजली 99% लाइपोसक्शन सेफ है, 1% चांस है कॉम्प्लिकेशन होने का, जैसे इन्फेक्शन का रिस्क 1% से कम है। सीरोमा, जहाँ से फैट रिमूव होती है वहाँ पे स्पेस होती है, तो आपने इसको प्रेस रखना होता है गारमेंट्स के साथ। अगर आप लूज छोड़ दें तो वहाँ पे पानी, बॉडी का फ्लूड आ सकता है या पानी आ सकता है, इसे सीरोमा बोलते हैं। तो अगर आप कंप्रेशन उतार दें 4-6 घंटों के लिए या पूरा दिन के लिए, तो जो स्पेस बॉडी में बनी है वहाँ फ्लूड आ जाएगा, तो वो निकालना पड़ सकता है, 1 से 2 दफ़ा निकालने से वो वापस जा सकता है। तो ये ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं जो कि प्रॉब्लमेटिक है। तीसरा है, आपको माइनर से इरेगुलरिटी आ सकती है, स्पेशली अगर आपकी स्किन लटकी हुई है या ऑलरेडी स्ट्रेच है, जैसे वेट लॉस वाले पेशेंट्स में या जिनकी मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो चुकी हैं, तो उनमें जब स्किन साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसमें रिंकल पड़ सकते हैं जिनकी ऑलरेडी स्किन लूज हो। नॉर्मल स्किन में कोई इरेगुलरिटीज कम से कम आती हैं। क्या सब लोग लाइपोसक्शन करा सकते हैं? एक मैंने बताया नहीं, वो लोग जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, जैसे 120-130 kg हैं या 110 से ऊपर हैं, वो नहीं करा सकते क्योंकि उनको सेफ्टी नहीं है उनके लिए, उनको वेट रिडक्शन की तरफ जाना चाहिए। दूसरे ऐसे पेशेंट जिनकी स्किन बहुत लूज हो, वो लटका हुआ है, अगर आप लाइपोसक्शन करेंगे फ़ायदा होगा, स्किन कॉन्ट्रैक्ट करेगी लेकिन उतनी नहीं करेगी। नंबर टू, उसमें रिंकल्स पड़ जाएंगे तो आपको शेप बहुत अच्छा नहीं लगेगा। नंबर 3, उन लोगों में लाइपोसक्शन रिकमेंडेड नहीं है जिन्होंने बहुत वेट लूज़ किया है या जिनकी फैट इंट्रा एब्डोमिनल है, जिसका मतलब है उनकी विसरल फैट है, फैट पेट के अंदर की जगह पे है जहाँ पे मैदा है या आंते हैं, तो वहाँ आप लाइपोसक्शन नहीं करते। लाइपोसक्शन में जो फैट रिमूव करते हैं वो स्किन की फैट है,
जो कि स्किन के नीचे वाली फैट होती है, सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं, वो रिमूव करते हैं। तो ये कॉमनली क्वेश्चंस हैं।